हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट विड्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे पोको X3 GT या ये कहें रेडमी नोट 10 प्रो 5G। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल की अपडेट्स आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स, Xiaomi ने हाल ही में अपना न्यू हैंडसेट Redmi Note 10 Pro 5G चाइना में लॉन्च किया है, लेकिन ये हैंडसेट इंडिया में Redmi Note 10 Pro 5G के नाम से नहीं बल्कि Poco X3 GT के नाम से लॉन्च होगा। फ्रेंड्स, Poco X3 GT इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ये हैंडसेट आपको इस मंथ या नेक्स्ट मंथ तक मार्केट में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बॉक्स पैकिंग वाइट कलर की है और बॉक्स के ऊपर साइड गोल्डन कलर में लिखा हुआ है नोट 10 प्रो। हमारे पास अभी जो वेरिएंट है वो है 6GB प्लस 128GB। ये हैंडसेट जब इंडिया में लॉन्च होगा तो इस हैंडसेट के और भी वेरिएंट्स आएंगे। फ्रेंड्स, बॉक्स के ओपन करने के बाद हमें एक कवरिंग मिलती है जिसमें हमें सिम एजेक्टर टूल, एक TPU केस जिसकी क्वालिटी ओके है और हमें मिलता है एक टाइप C टू 3.5mm ऑडियो जैक एडाप्टर। फ्रेंड्स, MI Lite 11 की तरह इस हैंडसेट में भी आपको 3.5mm का ईयरफोन जैक नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर और एक USB टू टाइप C केबल जो डेटा और चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स, अब हम इस फ़ोन को अनरैप करके बूट कर लेते हैं। ये फ़ोन 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल होगा, ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट। फ्रेंड्स, फ़ोन के बैक साइड आपको एक प्रीमियम लुक मिलता है। ये एक टेक्सचर्ड बैक है और साथ में आपको मिलती है रेडमी की ब्रांडिंग। फ़ोन के राइट साइड आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर बटन और एक पावर बटन जो फिंगर सेंसर का काम भी करता है। फ़ोन के टॉप साइड आपको मिलता है स्पीकर ग्रिल, IR ब्लास्टर और एक सेकेंडरी माइक। फ़ोन के बॉटम में आपको एक और स्पीकर ग्रिल मिलती है, साथ में मेन माइक और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। फ़ोन के लेफ़्ट साइड आपको सिम ट्रे मिलती है। ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसमें आप एट ए टाइम 2 सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन में आपको माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फ़ोन के डिस्प्ले की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD मिलती है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ और टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ का है। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस का सपोर्ट मिलता है। फ्रेंड्स, स्क्रीन क्वालिटी इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है और साथ में एक पंच होल कैमरा है। प्रोसेसर की बात करें तो इस फ़ोन में हमें MediaTek Dimensity 1100 5G 6nn बेस्ड प्रोसेसर मिलता है जो आपको पावर और परफॉर्मेंस दोनों देता है। फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जिसे आप 42 मिनट्स में फुल चार्ज कर सकते हैं 67 वॉट चार्जर के साथ। फ्रेंड्स, इस फ़ोन का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है। इस फ़ोन का N22 बेंचमार्क स्कोर 6 लाख से ऊपर है जो एक स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के बराबर है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फ़ोन का गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। आप इस फ़ोन में हाई लेवल गेमिंग कर सकते हैं, वो भी हायर सेटिंग्स के साथ। आपको गेम में लैगिंग देखने को नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, आप इस फ़ोन पर लंबे गेमिंग सेशंस कर सकते हैं क्योंकि इस फ़ोन का बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। कैमरे की बात करें तो इस फ़ोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो इस फ़ोन के कलर्स बहुत अच्छे हैं और शार्पनेस भी काफ़ी अच्छी है। फ्रंट फेसिंग में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। सेंसर की बात करें तो इस फ़ोन में हमें सारे सेंसर्स मिलते हैं जैसे फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर, IR ब्लास्टर। कनेक्टिविटी की बात करें तो फ्रेंड्स, इस फ़ोन में आपको 5G, डुअल 4G VoLTE, BT वर्जन 5.2, NFC और Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फ़ोन फुली फीचर लोडेड है। फ्रेंड्स, इस फ़ोन के सारे फीचर्स जैसे 6.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, डबल स्पीकर पावर्ड बाय JBL, 5G कनेक्टिविटी, 5000 mAh की बैटरी डायमेंसिटी 1100 प्रोसेसर, ये सारे फीचर्स बताते हैं कि ये एक पावर पैक्ड फ़ोन है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फ़ोन इस मंथ या नेक्स्ट मंथ में मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, और अगर आप न्यू फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फ़ोन इंडिया में पोको X3 GT के नाम से लॉन्च होगा और इस फ़ोन की प्राइस अंडर 25,000 हो सकती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के एंड सेशन पर आप मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।